गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू दिस वीडियो इन दिस वीडियो नाउ आई एक्सप्लेन यू लेसन नंबर फाइव बोन्स एंड मसल्स स्टूडेंट्स इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट बोन्स बोन्स क्या होती हैं नाउ इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट मसल्स इन दिस इस वीडियो में मैं आपको मसल्स के बारे में समझाऊंगी इससे पहले रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स दिस होमवर्क विल बी सबमिटेड ऑन इट गिविन डेट होमवर्क आपका जो आपकी वर्कशीट के नीचे जो सबमिशन डेट आती है उसी डेट पे जमा होना है तो आप याद रखिएगा कि आपको अपना होमवर्क ये वाला होमवर्क जो है वो जमा करना है नाउ कम टू अर टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ मसल्स मसल्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाऊंगी यहाँ पे अ मसल्स इज अ सॉफ्ट फ्लैश टैच टू आवर बोन्स मसल्स क्या होते हैं सॉफ्ट फ्लैश होती हैं जो कि हमारे बोन्स के साथ अटैच होती हैं हमारे बोन्स के साथ जुड़ी होती हैं बोन्स एंड मसल्स वर्क टूगैदर जो बोन्स होती हैं और मसल्स होती हैं वो दोनों एक साथ वर्क करती हैं नाउ स्टूडेंट्स टेकआउट बुक्स एंड ओपन द पेज नंबर फोर्टी फोर अब मैं आपको बुक से पढ़ाने जा रही हूँ तो आपके अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो आप इसको वीडियो से ही समझ लीजिए मसल्स दिस सॉफ्ट फ्लैश इस कॉल्ड मसल्स जो सॉफ्ट फ्लैश होता है वो क्या कहलाता है मसल्स कहलाता है मसल्स कवर्ड द बोन्स मसल्स क्या होती हैं बोन्स को कवर करके रखती हैं सॉरी बोन्स क्या होती हैं मसल्स को कवर करके रखती हैं वी हैव मोर देन सिक्स हंड्रेड मसल्स इन आवर बॉडी हमारी पूरी बॉडी में सिक्स हंड्रेड से भी ज़्यादा मसल्स होती हैं बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर आउन बोन्स अपने आप से नहीं चलती हैं द मसल्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स मसल्स क्या होती हैं बोन्स के साथ ज्वाइंट होती हैं एंड हेल्प दैम टू मूव और बोन्स को मदद करती हैं आगे मूव करने में चलने में बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर बोन्स और मसल्स क्या होते हैं दोनों की दोनों एक साथ वर्क करती हैं दे हेल्प अस टू राइट मसल्स और बोन्स एक साथ लिखने का काम करती हैं वॉक चलने का काम करती हैं स्विम स्विमिंग आपको पता है स्विम क्या होता है तैरना उसमें काम करती हैं स्टैंड लिफ्ट समथिंग किक समथिंग एंड डू मैनी अदर एक्टिविटीज़ और इसके साथ साथ जो भी हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में हमारे बोन्स एंड मसल्स हेल्प करती हैं सम पार्ट ऑफ अवर बॉडी लाइक अवर हर्ट एंड स्टोमक हैव नो बोन्स हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके पास बोन्स नहीं होती हैं जैसे कि हर्ट स्टोमक इनके पास बोन्स नहीं होते हैं दे आर मेड ऑफ ओनली मसल्स ये सिर्फ किससे बने होते हैं मसल्स से बने होते हैं अव बोन्स एंड मसल्स आर स्ट्रोंग बट वेरी सेंसिटिव हमें पता है हमारे बोन्स और मसल्स बहुत स्ट्रोंग होती हैं बट उसके साथ साथ वो बहुत सेंसिटिव भी होती हैं वी नीड टू प्रोटेक्ट डैम हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम डर्ट एंड जर्म्स उनको डर्ट से और जर्म्स से कीटाणुओं से बचा कर रखना चाहिए द स्किन कवर अवर होल बॉडी एंड प्रोटेक्ट बोथ बोन्स एंड मसल्स हमारी जो स्किन है बेटा हमारी हैंड देखो हैंड के ऊपर जो स्किन लगा है ना ये थी लेयर ये स्किन है तो इसको ये क्या करती है बोन्स और मसल्स को कवर करके रखती है और उनको प्रोटेक्ट करके रखती है किससे डर्ट और जंप से प्रोटेक्ट करके रखती है नाउ कम इन पेज नंबर फोर्टी फाइव पेज नंबर फोर्टी फाइव में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी बोन्स एंड मसल्स को फिट करके रखते हैं फिट करके रख सकते हैं स्टे हेल्थी अगर हम हेल्थी रहेंगे स्वस्थ रहेंगे तो हम हमारी बोन्स और मसल्स को दोनों को फिट रख सकते हैं टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स फिट एंड हेल्थी वी नीड टू ईट द रट फूड अगर हमें हमारी अगर हमें हेल्थी हमें हमारी बोन्स और मसल्स को फ़िट uh, और हेल्थी रखना है तो हमें क्या करना है राइट right फूड अच्छा खाना लेना है सही खाना लेना है एक्सरसाइज रेगुलरली हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है डेली हमें एक एक्सरसाइज करनी होती है स्लिप वेल well. अच्छे तरीके से सोना नींद जो है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड बी केयरफुल ऑफ अवर पोश्चर हमें हमारे पोस्चर के प्रति भी केयरफुल होना चाहिए कि हमें किस तरीके से बैठना है किस तरीके से चलना है किस तरीके से हमें स्टैंड होना है तो ये तीन जो हमारे पोश्चर्स हैं उनको अच्छे से आ, ध्यान में रखते हुए करना चाहिए ओके नाउ फर्स्ट इज़ फूड हमें कैसा फूड लेना चाहिए अवर फूड मस्ट कंसिस्ट ऑफ मिल्क टू मेक अवर बोन्स स्ट्रोंग हमें हमारे फूड के साथ हमेशा मिल्क को जरूर रखना चाहिए क्योंकि मिल्क से हमारे जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं वी मस्ट ईट वेजिटेबल्स हमें हमेशा वेजिटेबल्स खानी चाहिए अपने खाने में फ्रूट्स खाने चाहिए राइस खाने चाहिए पल्सेस खाने चाहिए ब्रेड चिकन मीट फ्लैश एग और हेल्दी एंड स्ट्रांग मसल्स ठीक है फॉर हेल्दी एंड स्ट्रांग मसल्स हमें अगर हम वेजिटेबल्स फ्रूट राइस ब्रेड चिकन मीट फिश एग्स ये सब अपने खाने में लेंगे तो हम हमें हेल्दी और अपने मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं एंड अवॉइड ईटिंग जंक फूड लाइक मैगीज़ बर्गर्स आपका पिज्ज़ा ओके न्यूडल्स ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए वैन वी इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन राइट अमाउंट अगर हम अपने खाने में सही तरीके से सही अमाउंट का डाइट लेते हैं इट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट वो क्या कहलाता है बैलेंस डाइट नाउ कम इन एक्सरसाइज अवर बॉडी नीड एक्सरसाइज एवरी डे हमारी बॉडी को हर दिन एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है वैन वी यूज अवर मसल्स एवरी डे अब जब हम अपने मसल्स का हर दिन यूज़ करते हैं दे बिकम स्ट्रॉगर वो क्या करती हैं अगर हम अपने मसल्स को मूव कर रहे हैं अपने मसल्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो दिन प्रतिदिन क्या होती जाती है बेटा स्ट्रोंग होती जाती हैं एक्सरसाइज कीपर्स फिट और एक्सरसाइज करने से हम क्या रहेंगे फिट रहेंगे बाई हेल्पिंग ऑल ओवर बोन्स एंड मसल्स वर्क प्रॉपरली क्योंकि उस टाइम पीरियड पर हमारी जो बोन्स हैं और मसल्स हैं वो सही तरीके से वर्क कर रही हैं प्रॉपरली वर्क कर पा रही हैं नेक्स्ट इज स्लिप सो वी ऑल्सो नीड टू हैव अ गुड स्लिप हमें एक्सरसाइज करने के साथ साथ अच्छा खाना लेने के साथ साथ अच्छी नींद भी लेनी चाहिए एस इट गिव रेस्ट टू अवर बॉडी एंड हेल्प अस टू रिचार्ज अवर एनर्जी बेटा जिस तरीके से हम मोबाइल्स में जब प्ले करते हैं मोबाइल्स में जब वर्क करते हैं तो मोबाइल का जो बैटरी होता है वो क्या हो जाता है लो हो जाता है तो हम उसको चार्ज करने के लिए उसको चार्जर पॉइंट पे लगाते हैं स्विच ऑन करते हैं तो वो फुली चार्ज हो जाता है और आफ्टर सम टाइम वो फिर से रेगुलरली उसी तरीके से काम करने लगता है जैसे वो पहले काम कर रहा था वैसे ही हमारी बॉडी भी है ओके okay. सारे दिन भर बॉडी काम कर रही है मूवमेंट कर रही है इधर से उधर चल रही है ओके okay? तो उसको भी रेस्ट चाहिए होता है तो सोने से स्लिप स्लिप करने से हमें क्या होता है बॉडी में रेस्ट मिलता है हमारी पूरी बॉडी को रेस्ट मिल जाता है एंड अस टू रिचार्ज अवर बॉडी हमें हमारी बॉडी को रिचार्ज करने में हेल्प मिलता है ठीक है हेल्दी बोन्स एंड मसल्स अस टू वर्क एंड प्ले विदाउट गेटिंग टायर्ड अगर हम हमारी बॉडी को थोड़ी थोड़ी देर बाद रेस्ट देंगे उसको रिचार्ज करते रहेंगे ओके तो क्या होगा हमारी बोन्स एंड मसल्स अच्छे तरीके से नेक्स्ट डे के लिए काम करेंगी और वो बिना थके हुए हमारे वर्क को या फिर अगर हम खेल रहे हैं तो उसको अच्छे से वर्कआउट करेंगे ओके नाव कम इन पॉश्चर द पोजिशंस ऑफ आवर बॉडी वन वी स्टैंड हमने हमारी जो बॉडी का जो पोजिशन है जब हम स्टैंड होते हैं जब हम सेट जब हम बैठे होते हैं जब हम वॉक करते हैं इस कॉल पोस्चर उसको क्या कहा जाता है पोस्चर कहा जाता है ओके शोन बिलो इन दोश्चर इन विच वी शुड वॉक अब आपको नीचे कुछ पोस्टर्स दिए गए हैं कि हमें कैसे वॉक करना है हमें कैसे सेट होना है हमें कैसे स्टैंड होना है तो ये पोस्टस मैं आपको समझाऊंगी हाउ शुड वी सेट हमें बैठना कैसे चाहिए अप स्ट्रेट विथ योर बैक अगेंस्ट द बैक ऑफ द चेयर हमें चेयर में सीधा बैठना चाहिए अपने बैक को सीधा चेयर पे अटैच करके रख बैठना चाहिए ओके डू नॉट बैंड योर शोल्डर्स हमें अपने शोल्डर्स को बैंड नहीं करना चाहिए अपने कंधों को बैंड नहीं करना चाहिए और योर बैक आपकी जो बैक होती है पीछे जो कमर होती है उसको भी बैंड नहीं करना चाहिए झुकना नहीं चाहिए हाउ शुड वी स्टैंड हमें कैसे खड़ा होना चाहिए देखो यहाँ पे फोटो में दिखाया गया आप स्ट्रेट खड़े हो फोटो में दिखाया गया ना स्ट्रेट खड़े होना चाहिए स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर चिन इन एंड इन एंड चेस्ट आउट ओके चेस्ट को बाहर करके चिन के साथ हमें सीधा खड़ा होना चाहिए डू नॉट स्टॉप स्टॉप और बैंड योर शोल्डर हमें अपने शोल्डर को बैंड नहीं करना चाहिए खड़े होने होते हुए हाउ शुड वी वॉक हमें कैसे चलना चाहिए वॉक स्ट्रीट विथ योर सोल्डर्स अप राइट हमें सीधा चलना चाहिए सीधा होकर के अपने सोल्डर्स को सीधा रख करके चलना चाहिए प्लेस योर फुट विथ द टू प्वाइंटिंग इन फ्रंट हमें जो हमारे पाऊ होते हैं उनको सीधा आगे की तरफ रखते हुए चलना चाहिए नाउ दिस लेसन इज फिनिश यहां पर मैंने आपको पोस्चर मसल्स आपके बोन्स क्या होती हैं इन सब के बारे में आपको समझा दिया है नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज इन दिस वर्कशीट आई विल गिविन यू टू एक्सरसाइजेस ओके नंबर वन इज नेम द फॉलोइंग द सॉफ्ट फ्लैश अटैच्ड टू आवर बोन्स जो सॉफ्ट फ्लैश होता है जो हमारे बोन्स के साथ अटैच होता है वो क्या होता है आपको उसका नेम लिखना है मसल्स हाउ कैन वी मेक अवर मसल्स स्ट्रांग हम अपने मसल्स को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं बाय एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर कर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगी विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी हेल्प अस टू थिंक हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट हमें सोचने में हेल्प करता है तो इट्स अ ब्रेन ब्रेन ही हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो हमें सोचने में हेल्प करता है वेन यू किक अ फुटबॉल जब आप फुटबॉल को किक करते हो विच पार्ट ऑफ द बॉडी वी वेल यूज़ हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ होता है लेग मसल्स लेग की जो मसल्स हैं हमारे जो पाँव में जो मसल्स होती है लेग में जो मसल्स होती हैं वो यूज़ होती हैं उस टाइम पर द वे वी होल्ड अवर बॉडी वैन वी सिट स्टैंड और वॉक जो आ, कौन वो वे क्या कहलाता है जो हमारी बॉडी को होल्ड करके रखता है जब हम बैठते हैं जब हम स्टैंड होते हैं या फिर हम वॉक करते हैं तो वो क्या कहलाता है पोश्चर नाउ कम इन क्वेश्चन आंसर्स हियर आई एम गिविंग यू फाइव क्वेश्चन आंसर्स ओके यू शुड राइट डाउन सेम एज इट इज इन अवर नोटबुक अब मैं वन बाय वन आपको समझा देती हूँ वट इज अ स्केलेटन स्केलेटन क्या है स्टूडेंट्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है बोन्स का जो ढांचा होता है दैट गिवस जो हमें क्या देता है शेप टू आवर बॉडी हमारे पूरी बॉडी को शेप देता है इस कॉल स्केलेटन वो क्या कहलाता है स्केलेटन कहलाता है क्वेश्चन नंबर टू नेम एनी थ्री एक्टिविटीज़ दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ आवर बोन्स एंड मसल्स थ्री एक्टिविटीज जिससे हमारी बोन्स और मसल्स को हेल्प हेल्प मिलती है कुछ काम करने में हमारी बोन्स एंड मसल्स को हेल्प मिलती है तो वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं द थ्री एक्टिविटीज़ दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ आवर बोन्स एंड मसल्स आर वॉक जब हम चलते हैं तो हमारी बोन्स एंड मसल्स को मसल्स uh, यूज़ होती हैं प्ले जब हम खेलते हैं या फिर जब हम रन करते हैं दौड़ते हैं ओके क्वेश्चन नंबर थ्री इन व्हाट वे वी कैन कीप अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग हम किस तरीके से अपनी बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रांग बना करके रख सकते हैं स्ट्रांग मतलब उनको ताकतवर बना सकते हैं वी कैन कीप अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग बाई एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज करने से हम अपनी बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं एंड ईट हेल्दी फूड और अच्छा खाना खाने से हेल्दी अच्छे स्वस्थ स्वस्थ खाना खाने से हम अपनी बोन्स और मसल्स uh, को स्ट्रांग बना करके रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वोटेस पॉश मैंने आपको बताया था द पोजिशंस ऑफ अवर बॉडी हमारे बॉडी की जो पोजिशन होती है जब हम वैन वी स्टैंड जब हम खड़े होते हैं जब हम सेट जब हम बैठते हैं और वॉक जब हम वॉक करते हैं इस कॉल पोस्चर क्वेश्चन नंबर फाइव why इज इट important टू हैव करेक्ट posture? क्यों जरूरी होता है हमारी बॉडी को करेक्ट पोस्चर की क्यों जरूरत होती है अगर हम तिरछा मिर्छा तेढा मेढा बैठेंगे तो इससे क्या होगा क्या हार्मफुल होगा हमारी बॉडी के लिए ठीक है अगर हम गलत बैठते हैं हमारा पोस्चर हमारे बैठने का तरीका गलत है हमारे चलने का गलत है तरीका है तो उससे हमारा बॉडी में पेन हो सकता है बेटा ठीक है तो करेक्ट पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट पोस्चर बहुत ज़रूरी होता है टू कीप अवर बॉडी फिट हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है आई होप यू हैव टू बी अंडरस्टूड दिस वीडियो वेल इट विल बी हेल्प यू टू डू योर वर्कशीट टिल द नेक्स्ट वीडियो Bye and take care.